हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक की समरी, और वो बुक है हाउ टू टॉक टू एनीवन। तो इस बुक में से मैं आपको तीन ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जिनकी मदद से आप किसी भी गैदरिंग या किसी भी पार्टी में किसी भी अनजान इंसान से बातचीत शुरू कर सकते हो, बल्कि आप ऐसे बन सकते हो कि लोग खुद आपके पास आएंगे आपसे बात करने। तो दोस्तों, बिना किसी डिले के हम डायरेक्ट आते हैं काम की बात पर। फर्स्ट टेक्निक है वॉज इट टेक्निक। वॉज इट क्या है? वॉज इट वो कोई भी अनोखी सी चीज हो सकती है जो आपको पार्टी में पहनकर या लेकर जाना चाहिए। इससे आप उस भीड़ भाड़ वाले रूम में एक मजेदार स्ट्रेंजर नजर आओगे, जिससे कोई भी क्यूरियस इंसान पूछना चाहेगा कि एक्सक्यूज मी, ये जो आपके पास है ये क्या चीज है। वॉज इट कोई भी चीज हो सकती है। ये एक यूनिक पिन हो सकती है, एक इंटरेस्टिंग सा पर्स हो सकता है, एक स्ट्रेंज टाई हो सकती है, एक दिलचस्प सा हैट हो सकता है, या एक अनोखी सी वॉच हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि लोग आपसे बात तो करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास कोई वॉज इट नहीं होता तो वो शुरू ही नहीं कर पाते। मैं हमेशा एक अंगूठी पहनता हूँ जिसमें एक बड़ा सा स्टोन लगा हुआ है जो कि नॉर्मली देखने को नहीं मिलता। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ, चाहे मैं किसी पार्टी में हूँ या बैंक की लाइन में ही क्यों ना खड़ा हूँ, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी अंगूठी में कौन सा स्टोन है। अब अगर मुझे सामने वाला इंसान इंटरेस्टिंग लगता है तो मैं कन्वर्सेशन आगे बढ़ाता हूँ, नहीं तो सिंपली स्टोन का नाम बताकर बात वहीं खत्म कर देता हूँ। ऐसे में कंट्रोल आपके हाथ में होता है। अब मान लो कि आपको पार्टी में किसी पर्टिकुलर इंसान से बात करना है जो आपके लिए कम्प्लीटली अनजान है, तब भी आप वॉज इट टेक्निक यूज कर सकते हो। आपको बस सामने वाले इंसान को ध्यान से देखना है कि क्या उन्होंने कोई अनोखी सी चीज कैरी की हुई है या पहन रखी है। जब वो चीज आपको नजर आ जाए तो आपको बस उनके पास जाकर कहना है कि एक्सक्यूज मी, मुझसे रहा नहीं गया ये चीज देखकर, ये आखिर है क्या? और ऐसे शुरू हो सकता है आपका उस स्ट्रेंजर से कन्वर्सेशन। अब मान लो कि सामने वाले में आपको कोई वॉज इट नजर नहीं आता और आप उनसे बात करना चाहते हो, तब क्या करोगे? तब आती है सेकंड टेक्निक, हुज दैट टेक्निक। ये टेक्निक मोस्टली पॉलिटिशियंस यूज करते हैं, आम लोग इसे बहुत कम यूज करते हैं। हुज दैट टेक्निक ये है कि आप पार्टी गिवर के पास जाओ और उनसे पूछो कि वो जो वहां मैन या वुमेन खड़े हुए हैं वो काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, क्या आप इंट्रोडक्शन करवा सकते हो? आपको हिचकिचाना नहीं है, पार्टी गिवर को भी अच्छा लगेगा कि आपको उनका कोई गेस्ट इंटरेस्टिंग लगा। अब सिचुएशन को थोड़ी और मुश्किल बनाते हैं। मान लो कि पार्टी गिवर दूसरे मेहमानों के साथ बिजी है और वो इंट्रोडक्शन नहीं करवा सकता, तो ऐसे में आपको पार्टी गिवर को इंट्रोडक्शन के लिए नहीं कहना है, आपको बस उस इंसान के बारे में पार्टी गिवर से ठीक ठाक से इन्फॉर्मेशन निकलवाना है, सिंपली ये पूछ कर कि वो जो वहां खड़े हैं वो काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रहे हैं, वो कौन है? हो सकता है कि पार्टी गिवर आपको बता दे कि हाँ, वो तो मिस्टर आनंद है, उनके बारे में ज्यादा तो नहीं पता लेकिन उनका कॉइन्स कलेक्शन काफी अच्छा है। ये मिल गया आपको आइस ब्रेकर। अब आपको उनके पास जाना है और पूछना है कि आप मिस्टर आनंद हो ना, सिद्धार्थ ने मुझे बताया था आपके बारे में कि आपके पास काफी बड़ा कॉइन्स कलेक्शन है, कौन कौन से स्पेशल कॉइन्स हैं आपके पास? अब यहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो कि अगर पार्टी गिवर ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो, अगर पार्टी गिवर ही कहीं नजर नहीं आ रहा हो तो फिर सुनिए यह थर्ड टेक्निक, जिसे कहते हैं ईव्स ड्रॉपिंग टेक्निक। ये टेक्निक भी मोस्टली पॉलिटिशियंस ही यूज करते हैं। तो मान लो कि आप पार्टी में एक महिला से बात करना चाहते हो, उन्होंने कोई वॉज इट कैरी नहीं किया हुआ है, हुज इट के लिए भी पार्टी गिवर कहीं नजर नहीं आ रहा है। सिचुएशन को और मुश्किल बनाने के लिए मान लो कि वो महिला अपने ग्रुप के साथ एक डीप डिस्कशन में बिजी है। अब आप डायरेक्ट जाकर तो ऐसा बोल नहीं सकते कि मैंने सोचा कि आपकी बातें छुप छुप कर सुनूं और आपको हेलो कह दूं, क्योंकि ईव्स ड्रॉपिंग तो छुप छुप कर बातें सुनने को ही कहते हैं। लुक, आपको यहाँ करना ये है, आपको उस ग्रुप के पास में खड़े होना है, साथ में नहीं पास में, और उनकी बातों से बिल्कुल अनजान बने रहने की एक्टिंग करना है। आराम से इधर उधर देखते हुए उनकी बातें ध्यान से सुनना है, और जैसे ही उनके डिस्कशन से आपको वो एक या दो वर्ड्स मिल जाए जिन्हें आप यूज कर सकते हो, तभी इमीडिएटली आपको पलट कर कहना है कि एक्सक्यूज मी, मैं खुद को सुनने से रोक ना सका, अभी अभी आप जो महाबलेश्वर की बात कर रहे थे, मैं भी वहां नेक्स्ट मंथ जाने वाला हूँ, एनी सजेशंस? अब देखो यहाँ पर क्या होगा, क्या आपके सडनली ऐसा बोलने से वो लोग घबराएंगे? यस, पल भर के लिए घबराएंगे। क्या वो वापस नॉर्मल हो जाएंगे? यस, पल भर में नॉर्मल भी हो जाएंगे। क्या आप कन्वर्सेशन में शामिल हो जाओगे? 100% हो जाओगे। तो यही है वो तीन टेक्टिक्स किसी भी अनजान इंसान से बात करने की, जो कि मैंने आपको हाउ टू टॉक टू एनीवन बुक से बताई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये टेक्निक्स आप गैदरिंग या पार्टीज के अलावा भी यूज कर सकते हो। ये वीडियो मैंने काफी छोटा और टू द पॉइंट बनाने की कोशिश की है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दो यार, लाइक करने में कंजूसी मत करो, आपका लाइक करने में कुछ नहीं जाता लेकिन मुझे अच्छा लगता है। और इस चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाए बिना इस वीडियो को बंद मत करना, और फॉलो करिए मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, जहां मैं ऑलमोस्ट डेली पोस्ट करता हूं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, हमेशा एक दूसरे से प्यार करिए, क्योंकि नफरत करने के लिए जिंदगी बहुत छोटी है। जय हिंद।